हेलो सर, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे थे मैंगो मैन लाइफ और हम आज दिखा रहे हैं अपने घर का टूर आपको। तो जैसे ही एंटर होते हैं, यहाँ पे रखे हुए हैं आपको चप्पल जूते रखने के लिए। ये है पूरा हॉल आपका। सामने सोफे रखे हुए हैं, इधर डाइनिंग टेबल है विद 6 चेयर्स, और ये किचन एरिया है। ये बेसिकली फर्निश्ड था पूरा, और इंक्लूड था। हमें कोई भी सामान लेके हम ना आए नहीं हैं। थोड़ा बहुत सामान हमें खरीदना पड़ेगा जो भी हम आगे जाके खरीदेंगे। ये पूरा है अभी, कल इसकी थोड़ी सफाई होगी तो उसके बाद ही ब्लॉग बनाकर दिखाऊंगा सफाई के बाद क्या होता है। और ये है वॉशिंग एरिया जहाँ पे वॉशिंग मशीन रखी हुई है। वॉशिंग मशीन रखी है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, और इधर सिलेंडर रखे हुए हैं। वहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है। तो ये रहा आपका किचन का पूरा। फ्रिज है, पीछे बेलन रखा हुआ है। ये सोफ़ा है, 2 2 सीटर, 4 सीटर सोफ़ा रखा हुआ है। ये बालकनी है, बालकनी के बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आपको। तो बालकनी के बाहर का नज़ारा बहुत खूबसूरत है, देख सकते हैं आप। पूरा कचरा कचरा भरा हुआ है, पूरा ड्रेन एरिया है। इस तरफ आप देखते हैं तो पूरा स्विमिंग पूल का व्यू आता है। और यहाँ पे रावण तैयार हो रहा है पूरा। रावण का तैयार हो रहा है रावण, और ये कपड़े सुखाने के लिए जगह है। आप चाहे तो यहाँ पेड़ पौधे फूल वगैरह भी ला सकते हैं। थोड़े चलते हैं। टीवी भी था इसमें, और ये गैलरी। अभी आप राइट देखते हैं तो पहले वॉशरूम है। ये कॉमन सबके लिए कॉमन वॉशरूम है। वन रूम ये है, बेड एंड अलमीरा एवरीथिंग देयर। विंडो प्रॉपर, एकदम प्रॉपर सनलाइट आपको पूरे दिन आपको यहाँ पे मिलेगी। लाइट जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और दूसरा है ये वाला, थोड़ा सा बड़ा सा रूम। यहाँ भी डबल बेड लगा हुआ है, और यहाँ भी विंडो मिली हुई है। यहाँ पे 2 अलमारियाँ मिली हुई हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक शीशे वाली, बिना शीशे वाली है। और ये मास्टर बेडरूम है, देख सकते हैं। इसके साथ अटैच एक वॉशरूम, ये वॉशरूम अटैच है इसके साथ। और इसके बाद इसमें छोटी सी बालकनी मिलती है आपको। ये कबूतर के लिए नेट्स लगे हुए हैं ताकि कबूतर वगैरह ना आ सके अंदर। सो ये रहा मेरे घर का, नए घर का बेंगलोर में क्विक टूर। बात करें कितना कितने का कौन सा है कैसा है। बेसिकली गेटेड सोसाइटी है, काफ़ी फेमस सोसाइटी है इलेक्ट्रॉनिक फेस वन में। और इसका रेंट है ऑलमोस्ट अराउंड 27,000 के आसपास, प्लस आपको क्वार्टरली मेंटेनेंस देना पड़ता है अराउंड 14,000 के आसपास का क्वार्टरली मेंटेनेंस है इसका। और मेन चीज़ जैसे मुझे ब्रॉडबैंड की ज़रूरत थी, मैंने कल पहुँचते ही यहाँ पे ब्रॉडबैंड वाले जियो से बात की, उन्होंने अगले दिन आके लगा दिया। तो अगर आप जियो का ब्रॉडबैंड ले रहे हैं तो आपका पास कहीं का भी आईडी प्रूफ हो वो चलेगा। ये जो मेरे को उसने बताया, जो भी था वो सेल्स एक्टिविटी हुआ था उन्होंने बताया, और एक दिन में ही एक्टिवेट हो गया पूरा। बात करें मेन सिक्योरिटी की, कितना सिक्योरिटी था इस घर की। सिक्योरिटी बेसिकली यहाँ पे जो भी होता है, मतलब 5-6 महीने किराया होता है, बट जो हमारा लैंडलॉर्ड था काफ़ी दयालु था, तो उसने हमें इसकी जो ली है उन्होंने बेसिकली वो 1 लाख रुपए ली है, रिफंडेबल डिपॉजिट। सो नॉमिनल है, और काफ़ी काफ़ी स्पेसियस है ये। कल थोड़ा साफ हो जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा ये। होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपके कुछ मतलब हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन हैं कि बेंगलोर में शिफ्ट हो रहे हैं तो कहाँ पे क्या मकान, एक ऐप है माई गेट ऐप करके, मैंने उसके थ्रू ही सर्च किया था
क्योंकि आजकल बहुत मारामारी चल रही है मकान के लिए यहाँ पे, तो इतना मकान जल्दी मकान मिलता नहीं यहाँ पे। सो आप ट्राई कर सकते हैं उसका, और इसमें आपको ब्रोकरेज भी नहीं जाना पड़ता, अदरवाइज आपका यहाँ नॉमिनल 1 या 2 महीने का ब्रोकरेज लेते हैं यहाँ पे। सो होप आपने वीडियो एंजॉय किया होगा, थोड़ा लंबा था, बोरिंग था, बट इट्स ओके, थोड़ी बहुत जानकारी मिली है आपको। और बने रहिए, मैं अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ का, मेरी डे टू डे लाइफ का कैसे क्या है आने वाले ब्लॉग्स में।